सिद्धारम नमो आर्यारम नमो वज्रायारम नमो लोए सवसाहुरम शुद्धात्मान मनेकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जे जाया ध्यान कहे कम कलंक डहे मिथ्यन रंजन नानमय तेव परम अपणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्थ भावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। शुद्धात्मा अनादिकाल से ही शुद्धात्मा ही रहा है, पर द्रव्यों से न्यारा ही रहा है। कर्म बंधन सहित होते हुए भी कर्म से अबद्ध स्पृष्ट ही रहा है। रागादिक भाव रूप परिणमते हुए भी रागादिक भावों से असंयुक्त ही रहा है। अन्य अन्य रूप भाव रूप परिणमते हुए भी अनन्य ही रहा है, परंतु मोह के कारण नाना रूपों में माना जाता रहा। ये विशेष स्वाध्याय में क्या चला, मोह विलास विजृंभित, ये मोह का विलास है। एक और मोह का विलास, एक और चैतन्य का विलास, एक और कसायों का क्लेश, एक और समता की शांति, मुक्ति का साम्राज्य अंतरंग में, बाहर में संसार। स्वभाव से च्युत हुआ, संसार खड़ा हो गया। च्युत होने का मतलब कोई क्षेत्र से च्युत होने का मतलब यहां से यहां आ गया, ऐसा नहीं है। यहीं रहते हुए भी जैसे आप बैठे तो यहां हैं और यहीं बैठे रहें, लेकिन बस अगर ऐसी निगाह भी हो गई तो कुशील हो गया, ठीक है। निगाह भी ऐसी नहीं हुई, ऐसी रही, और मन में विकल्प आ गया तो कुशील हो गया। मुनिराज क्या कह रहे, पद्म प्रभुमालधारी देव, हे भाई तू कामनी की शरीर विभूति का स्मरण करता है तो मेरे वचनों से क्या लाभ होगा। ये ब्रह्मचर्य के प्रसंग में टीका करते हुए मुनिराज ने लिखा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों में भी समय लेना चाहिए। यह तू परिग्रह का स्मरण करता है, भोगों का स्मरण करता, वो अब्रह्म में आ गया ना, ऐसे परिग्रह का स्मरण करता है तो इस निर्गंथ उपदेश से तुझे क्या लाभ होगा। ये तो निर्गंथ मार्ग है, निर्गंथ उपदेश है। भगवान आत्मा स्वभाव से निर्ग्रंथ है। अब तेरे चित्त में तो परिग्रह बसा हुआ है, यहां भी परिग्रह परिग्रह परिग्रह, पर समन्तात ग्रहणम, पूरा का पूरा ऐसा मान लो, थोड़ा नहीं पूरा। पंडित जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है टोटम जी ने,
जिसे तिस प्रकार शरीर को और अपने को एक मानता है, जिसे तिस प्रकार, जिस तिस प्रकार का अर्थ जानते होगे, सर्व प्रकार, जैसे तैसे माने बस करना ही है वो काम, जैसे बने तैसे करो माने करना ही है। तो ऐसे जिस तिस प्रकार मानता है अर्थात सर्व प्रकार से वह देह को ही अपना रूप मानता है। इसीलिए आत्मा की चर्चा सुनता भी है तो कहता तो है ये मेरी बात है, और भीतर में लगता है किसी और की बात है, मानो किसी और ही की बात है। वही व्यक्ति आत्मा का भी विचार करे तो पर को आत्मा मान करके वो विचार करता है, अपने हित का विचार करे तो कैसे करेगा, क्या करें, तबीयत ठीक नहीं है, पैसा पास में नहीं है, कोई सहयोगी है नहीं, अब क्या करें कैसे करें, हे भगवान अब तुम ही हो, ये क्या है, आत्महित का विचार है कि मोह का विचार, बुद्धि इतनी है नहीं, समझ में आती नहीं, क्या करें, समझ में नहीं आती, ये क्या कहते, समझ में ही नहीं आती, हमारी समझ में ही नहीं आती, हमारी समझ में ही नहीं आती, अब इसको 10 बार विचार करेगा हमारी समझ में ही नहीं आती नहीं बंद चिंता से नहीं ना समझी चिंता से मिटे, नहीं समझ चिंता से उत्पन्न हो, चिंता से थोड़ी होगी, क्या करें क्या करें, अरे कह रहे हैं सो करो, भगवान कहते हैं कि देह है भाई है, हम जी थोड़ी कह रहे, सभी ऋषियादवाद अधिकार का स्वाध्याय कर रहे, अनेकांत जिलाता है, उस पशु को ऐसी भाषा लिखी है, जिन्होंने स्वाध्याय किया होगा उनको मालूम होगी, उस पशु को अनेकांत ही जिलाता है, बचाता है, तो जे आएगा सो उन्हें बचा लो, नहीं तो मर ही गए थे, वो तो बचा, वो आएगा बीच में सो उन्हें बचा लिया, ऐसे ये अनेकांत बचाता है, जिलाता है, महाराज आपने जिवा लो, वैद्य से कभी कभी कह देते कोई भैया बचा लो आपने, ऐसी मतलब अमृतचंद स्वामी ने भाषा प्रयोग की, ये अनेकांत ही जिलाता है बचाता है, किसको, पशु को, जो एकांत मान्यता से मर रहा था, पहली लाइन पहला भंग बोलो, पर को ही निज रूप मान करके मर रहा था पर को ही निज रूप मान करके मर रहा था, उससे कहा आत्मा पर से न्यारा, तत् आत्मा आत्मा है, तत् अतत् का है ना मंग, तत् अतत् हुआ नहीं है काला न्यारा। अनेकांत ने क्या बताया, देह मरे से इन्हें नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप, ये अनेकांत ही तो है, मरता है देह, और मरता का मतलब उसकी परिणति होती है, वियोग होता है, और ये मोही प्राणी हाय मर गए, हाय मर गए, हाय मर गए, मोह से जो मरा हुआ मानता है, अब देखो इसी भाषा में प्रयोग करो, जो अनादि से ही अमर तत्व है, कभी मरता नहीं है, लेकिन मोह के कारण से मरा हुआ माना जाता है, मोह ही तो कह रहा मर गए, जिनके मोह का अभाव हुआ भी कैसे बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कैसे बोलते हैं, हैं अब हमार भाई न मरेंगे, ज्ञान को तक्का हाथ मारे अरे मोहना, प्रगट रूप स्वरूप अनंत जो सोहना, जह पर्याय को अंत सत्य कर जानना, ये सत्य बात है, इस पर्याय का अंत हो रहा है,
चले बनारसी दास फिर नहीं आवना का। जो अनादि से ही कभी मरा नहीं है, कभी जन्मा नहीं है, लेकिन मोह के कारण से देह धारण के समय जन्मता और देह वियोग के समय मरता ऐसा माना जाता रहा। इसके किसके द्वारा? मोही जीवों के द्वारा। क्या करे, ज्ञान पर नियामत तेरे मोह का पर्दा पड़ा, अब बुद्ध दिखता नहीं है। ये आत्मा आत्मा ही रहा है, तत तत ही रहा है, पर रूप से अतत रहा, एक एक रहा, पर्यायों से अनेक रहा। अब वो पर्यायों के अनेकत्व को नाश करके अपने एकत्व को देखना चाहता है। अरे पागल, पर्यायों का अनेकत्व कभी नहीं मिटना। ज्ञान में लोकालोक झलकता है, ये कोई कलंक नहीं है, ये तो स्वच्छता का को प्रसिद्ध करता है, ये तो ज्ञान का रूप है। अनेकांत आत्मा के नित्यानित्य आत्मा, कब तू अकेले अनित्य को मेट करके नित्य रूप, ऐसा नहीं होता। विशेष रहित सामान्य तो गधे के सामान्य रहित विशेष, उल्टा कहे सामान्य रहित विशेष गधे के सींग के समान। किसका विशेष? और विशेष रहित सामान्य क्या है? विशेष रहित सामान्य कहीं है? ऐसा कोई द्रव्य बता जिसमें कोई गुण ना हो, ऐसा जीव बता जिसमें ज्ञान ना हो, ऐसा संसारी जीव बता जिसका पुण्य पाप कर्मोदय ना हो, है? मैना सुंदरी ने कह दिया था, हमारा भाग्य मैं खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, मैं तेरा परवरिश कर रहा हूँ, मैं तेरी व्यवस्था सब जुटा रहा हूँ, तेरी सारी इच्छाओं को पूरी कर रहा हूँ, और कहती भाग्य भाग्य, अब तेरा भाग्य देखना है। अरे तू क्या देखेगा भाग्य? भाग्य क्या देखेगा? जो जानता नहीं आत्म को, भाग्य को क्या जानेगा? इस अहंकार के नशे से उतर जा, तब भाग्य देख पाएगा। मैना सुंदरी का वचन नहीं है ये जिन वचन है। ये लड़की क्या कहती? लड़की नहीं कह रही है, भगवान कह रहे हैं कि सर्व जीवों को सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। भगवान कह रही, लड़की नहीं कह रही है। अरे लड़की उस जिन वचन को कहने वाली हो गई, इससे क्या मतलब है? दुकानदार एक बोर्ड लगा देते हैं, हम विक्रेता हैं, निर्माता थोड़ी है, कोई बात है तो उसके लिए कंपनी मालिका हम क्या कर जिम्मेदार है? हम थोड़ी जिम्मेदार, हम क्या कर रहे हैं? जैसा आया तैसे बेच रहे हम। अब चूंकि हम एजेंट हैं तो हमारे पास आ गया, हम कंपनी से बात कराएंगे, और हम क्या कर रहे हैं? अब उसका जो नियम होगा उस हिसाब से अब हम चलेंगे, तुम भी चलो। ये लड़की नहीं कह रही, मैना सुंदरी नहीं कह रही, ये भगवान के वचन है। और अहंकारी भगवान के वचन को कैसे समझ पाएगा? नहीं समझ सकता। ये लाइन बराबर ध्यान में रखना, अहंकार अभिमान से कुछ भी नहीं समझा जा सकता, कुछ भी। और अगर ये लगता है हमारी समझ में नहीं आता, तो ये अभिमान का चिन्ह है। उसी शायद वाद अधिकार में भंगों की बात, शक्तियों की चर्चा आई ना। आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा? अनेकांत आत्मक होते हुए भी ज्ञान मात्र क्यों कहा? उत्तर बोलो। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि के लिए। जिसे लक्षण अप्रसिद्ध होता है उसे लक्ष्य प्रसिद्ध नहीं होता। लक्ष्य का ज्ञान लक्षण से ही तो होगा। तो इसी तरह से हमने कहा था मोह का लक्षण पहचानो, ये मोह का लक्षण है। और तुम मान रहे हो कि सही है, सही है। जिनागम में
ये मोह का लक्षण, कर्म का लक्षण, क्रोध का लक्षण, ये लक्षण दिए सब, इन लक्षणों से पहचान लेना। यदि ऐसे लक्षण पाए जाए तो अमुक रोग होता है, ऐसे ही टोटो मर्जी ने कहा ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं, ऐसी अवस्था तेरी होती है तो संसार रोग है, इलाज कर। भ्रम से पुण्य उदय की अनुकूलता में सुखी मान करके मत बैठे रह, पाप के उदय में कोई सुख की कल्पना करके बाहर में मत भटकता रह। ये संसार रोग है, इस संसार रोग का इलाज कर। मोह विलास विजृंभित मिद मुदयत कर्म सकल मालोच्य। ये मोह के विलास का विस्तार है, क्या कर्मोदय है वो मोह नहीं है, ये संयोग शरीर है सो मोह नहीं है, ये बाहर का ये सारी भीड़ भाड़ है ये मोह नहीं है, ये रुपया पैसा धन वैभव ये मोह नहीं है। क्या मोह है? ये मैं हूं, ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये है मोह। यात्रा करते हुए ट्रेन में हैं, बगल में कोई बैठा हो, ये लगता है ये हमारा है? नहीं लगता ना। ये क्यों लगता है ये हमारा है? इन संयोगों का नाम मोह नहीं, शरीर का नाम मोह नहीं, कर्मोदय का नाम मोह नहीं, कर्मों का नाम मोह नहीं। अपने को भूलकर ये सब ऐसे लगते हैं, यही मैं हूं, यही मेरे हैं, इस मान्यता का नाम वो है। मोह विलास मुझे। अब ज्ञान दृष्टि से देखो, ज्ञान दृष्टि से देखो तब समझ में आएगी, क्या ये तो मोह कह रहा था। आपको एक दृष्टांत दिया था ना, तीर्थंकर को बैराग हुआ, माता कहने लगी बेटा अभी तुम्हारी उम्र क्या है, और हम तो तुम्हारी आस में, अकेले लड़का होता है ना तीर्थंकर, तो इकलौता है और हमें और कौन है, हम तो तुम्हारे भरोसे थे। माता ये तू नहीं कह रही, ये मोह कह रहा है। माता तू नहीं बोल रही है, मोह बोल रही है। जैसे लौकिक में मदरा वाला नशे में बोलता जाए, तुम नहीं जी नहीं बोल रहा हो, मदरा बोल रही है पैसा के नशे। अरे भैया तुम थोड़ी कह रहे, वो पैसा बोल रहा हूँ पैसा, तो पैसे का आदमी कुछ समझता नहीं है, क्या है तो क्या कर लेगा, तुम ये नहीं बोल रहा है, ये पैसा बोल रहा है, पैसा बोल रहा है, और मैं ऐसा कर दूंगा 10-20 लाख लुटा लगा दूंगा, तू समझता क्या है ऐसा कर। अरे पैसा बोल रहा है पैसा, लेकिन ये उपचार के कथन है, पैसा नहीं बोल रहा, पैसा नहीं बोल रहा। पैसा तो बहुत लोगों के पास होता है, सब लोग तो ऐसे नहीं बोलते, बड़े बड़े पैसा वाले बड़े विनम्र भी होते हैं, बड़े सरल भी होते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये पैसा नहीं बोल रहा, ये अभिमान बोल रहा है, ये मोह बोल रहा है। ज्ञान और मोह बस दो ही तो चीजें हैं भीतर, और जब नशा उतर गया है, क्या भाई क्या कह रहे हो, हमें का पतो साहब और हमें पतो नहीं कहा कह गए हम, ये तो नशे की बातें हैं, गुस्सा में जाने क्या क्या कह जाता है, जाने क्या क्या, और फिर पीछे से बड़ बड़ा क्षमा करियो, हम जाने क्या क्या कह गए हमें, बात में होश नहीं तो गुस्सा में हम मते। तो ये नहीं बोल रहा, कौन बोल रहा है, क्रोध बोल रहा है। लिखा ना लक्षण,
जब क्रोध कर्वाशय का उदय होता है तब किसी को बुरा जान करके उसे नष्ट करना चाहता है, दूर करना चाहता है, मिटाना चाहता है। स्वयं बुरा करता है, स्वयं से नहीं होता जानता, दूसरे से बुरा कराता है, अपने आप ही हो जाए तो हर्ष मानता है, मर्म छेदी गाली आदि वचन बोलता है। तो अब जब इस प्रकार का कोई बोले तो समझ लेना कि क्रोध बोल रहा है। अबे अबे मत छिड़ो, बोल लेंगे ये क्रोध बोल रहा है इसका। अगर हम भिड़ गए तो गए तो समझ लो कहाँ अभ्याल नुकसान हो, ये क्रोध बोल रहा है इसका। थोड़ी देर में अबे नशा होता है उसे, अभ्याल ये कहेगा गलती हो गई, क्षमा, हमें पतो नहीं काका कहेगा, का कह रहे थे हमें नहीं पतो, हम का कह रहे थे मालूम है। शास्त्र में काय का दृष्टांत दिया, भूताविष्ट दूसरा कौन सा है? ध्यानाविष्ट। पहला भूताविष्ट, वो भूत चला बोला, उसके बाद उससे जब चला गया कह क्या कर, हमें नहीं पता क्या करे, हमें नहीं मारा, इसी क्रोध बोल रहा है, अभिमान बोल रहा है, लोभ बोल रहा है, राग बोल रहा है, मोह विलास विजृंभित मित मुदयत, उदय में आता हुआ ये आ गया ऊपर, उदय द्रव्य कर्म का उदय हुआ और इधर पर्याय में इन परिणामों का उदय हुआ। उदय माने प्रकटता हुई मोहादिक भावों की है, तो क्या हुआ, ये एक कर्म है, ये इस मोहादिक भाव को भी कर्म ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? पूर्व कर्म के उदय से हुआ है और नवीन कर्म का कारण है, इसलिए इसका नाम भी भाव कर्म है। ठीक है ना? तो ये कर्म है उदय कर्म, सकल मालोच्य सकल कर्म को आलोचन करके भली प्रकार से देखकर, भली प्रकार से देखने का मतलब क्या है? डॉक्टर ने आला लगा के देखा, थर्मामीटर लगा के देखा, ऐसे देखा ऐसे देखा, ऐसे ब्लड प्रेशर देखा, भली प्रकार से देखने का मतलब बड़ी अच्छी तरह देखो, वहां डॉक्टर ने 15 मिनट गए तो अच्छी प्रकार देख, भली प्रकार देखने का मतलब क्या है? अच्छे शब्द बोलो, ये तो पर्यायवाची हो गया। एकाग्रता से देखा और भीतर से देखा, और ऊपर ऊपर से कहा है का चले आए जाए दवाई गली, अरे भाई डॉक्टर ने देखो ही नहीं, कछ वैसे डॉक्टर ऊपर ऊपर से देखना वह भली प्रकार देखना नहीं होता, भीतर से देखना, भीतर से देखो और एकाग्रता से देखो। जब भीतर से देखेंगे, एकाग्रता से देखेंगे, तब पर पदार्थ दिखाई देगा। कर्म सकल मालोच्य, फिर क्या हुआ? आत्मन चैतन्य आत्मन निष्कर्मण नित्य महात्मना वर्ते, आत्मा चैतन्य स्वरूप, आत्मा से ही, स्वयं से ही, स्वभाव से ही, सहज रूप से आत्मा में ही वर्तने लगा। भेद ज्ञान का एक कार्य बताया, भेद ज्ञान क्या करता है? भेद ज्ञान आत्मा को तो, उपयोग को तो आत्मा में लीन करता है और कर्म को कर्म में डाल देता है। जैसे बीनने वाला कैसे बीनता है? कचरे को कचरे में डालता है और माल को माल में डालता है। उसने समस्त भागों, समस्त जो कुछ भी बीनना है उसको दो भागों में बांट दिया, एक भाग में वह, एक भाग में सब। आपको एक दृष्टांत दिया था पहले,
बाई गेहूं बीनती है, चावल बीनती है, तो चावल बीनती है ककरा बीनती नहीं, सही है चावल बीनती सही है। उसने उसको पूरे को दो भागों में बांटा है, एक में चावल और एक में बाद बाकी जो कुछ भी हो। अब वो चावल चावल तो ऐसे करती जाएगी, इधर सरकाती जाएगी, और अगर गेहूं आ गया तो फेंक देगी अलग, चना आ जाएगा तो फेंक देगी, मट्टी आ जाएगी तो फेंक देगी, छिलका आ जाएगा तो फेंक देगी, कंकड़ आ जाएगा तो फेंक देगी, जो कुछ भी हो। आहा, अमृतचंद स्वामी ने कैसा प्यारा शब्द लिखा, जो कुछ भी भेदा जा सकता है उस सब को भेद कर। जो कुछ भी भेजा जा सकता है उस सबको भेज कर। अरे चावल तो उसने रहने ही दिए, उसके बाद चावल में से भी जो कुछ निकाला जा सकता था उसे निकाले, बिल्कुल साफ चावल कर दिए। जो कुछ भेजा जा सकता है सबको भेज कर। मोह विलास विजृंभित मिद मुदयत कर्म सकल मालोच्य आत्मन चैतन्य आत्मन निष्कर्मण नित्य मात्मना वर्ते। कैसा आत्मा? निष्कर्म, निष्कर्म कर्म रहित, कर्म अवस्था में ही स्वभाव से निष्कर्म, और मोक्ष अवस्था में संयोग से भी रहित। कर्म के संयोग से निमित्त नैमित्तिक संबंध से भी रहित, और संसार अवस्था में भी स्वभाव से निष्कर्म। उस स्वभाव के आश्रय से उस कर्मोदय जनित सर्व भावों को भिन्न जान लिया, इसी का नाम आलोचना है। बस हो गई ये परमार्थ आलोचना, ये तो अध्यात्म शास्त्र है भाई। साहब उसको बुरा नहीं जाने, जान लो ये पाप को पाप जान ले। अरे आपके आश्रय से अगर पाप को पाप जानोगे तो पाप छूट जाएगा, और पाप को वैसे ही पाप जानते रहोगे पढ़ करके सुन करके, ए भैया ये तो पाप है, हम जानते हैं पाप है, कछु नहीं हो तो। और कौन ने पाप छोड़ गए? तुम ही छोड़ गए हो। कहा है तो का रोटी नहीं खाए, तो का सोए नहीं, पाप है पाप, काय में पाप नहीं है। अब बोलो एक पाप को पाप ऐसे जाना, और एक आत्मा के लिए दुख का कारण है, बुरा कार्य, आत्मा की दुर्दशा कराने वाला पाप। अब बोलो कितना अंतर हो गया? हाँ भैया, ए भैया पाप है, हाँ भैया पाप। अपने आश्रय से पाप को पाप जानना अलग बात है, और वैसे ही मजाक से पाप को पाप कह लेना अलग बात है। हमें बुद्धि नहीं है, सही बताओ किसको लगता है हमें बुद्धि नहीं है? अगर ये लगता हो बुद्धि नहीं है तो बुद्धिमानों की सुने समझे, पूछ पूछ करके काम करे, पूछ पूछ करके फिर करके दिखाओ, देखियो भैया कहीं गलती तो नहीं हो गई। लेकिन न पूछे न बताए न करे, अपने मन में आए सो करे, और कभी क्या बुद्धि नहीं है? और बुद्धि नहीं होती, झूठ बोलता है, सच बताते भीतर से तुझे लगता है मेरे बुद्धि नहीं है, तुझे ये लगता है हमें बहुत बुद्धि है, इसलिए ये दुर्दशा हो रही, मायाचारी है बिल्कुल 100%। जिसको ये लग जाए हमें बुद्धि नहीं है, है? जहाँ पे जल लगे हम पे एक ही कपड़ा है तो वो ऐसे मेलो कर ले, वो डायरेक्ट छोड़ दिए, पहनेगा फिर? हमारे पास थोड़ा पैसा है तो कैसे गुजर चलाए, वो बर्बाद करेगा वो? बुद्धि नहीं है तो बुद्धि बर्बाद करता है और कहता है बुद्धि नहीं है, समय नहीं है, और समय बर्बाद कर रहा खड़े खड़े फालतू पागलपन से, वो कहता है समय नहीं है, झूठ बोलता है। सचमुच
आत्मा के लक्ष्य के बिना जितना भी ज्ञान है सब मिथ्या। मोह विलास विजृंभित, मोह का विलास फैलता 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 मोह। बस इतना है, बस वो यहाँ आत्मा से बाहर है, बस आत्मा तक नहीं फैल पाया है। जैसे ये फोड़ा फैल गया जी, फलाना फैल गया, लेकिन वो अड्डी तक नहीं पहुंचा, बस काम बन गया। और अड्डी में घुस गयो, अड्डी गलन लगी, अब का हो। ऐसे ये मोह कितना ही फैल गया है, विष फैल गया है, लेकिन फिर फैलते हुए भी वो स्वरूप तक नहीं पहुंचा, बस ये प्लस पॉइंट है। वो स्वरूप के सहारे से उसको भगा, भग जाएगा, आलोचना हो जाएगी, और नहीं तो कृत कार्य अनुमोदना मन वचन का ये सब चलता रहेगा। ऐसे ही संसार आलोच कर क्या करना, फिर वही काम करना। गलती हो गई क्षमा मांगे और फिर वही काम करने लगे, ये अनादर की पराकाष्ठा है, ये अनादर की पराकाष्ठा है। क्षमा करो गलती वही और फिर वही काम करने लगे। क्या कहा, मोह विलास मिजृंभित मिदमुदयत कर्म सकल मालोच्य आत्मन ले। ये आया उसका प्रयोजन और स्वरूप, आत्मन चैतन्य आत्मन निष्कर्मण नित्य मात्मना वर्ती, आत्मा में वर्ता। होश ही नहीं है, हमने ये गलती की और हमने क्षमा मांगी है, ये ही होश नहीं, तो लोक ही व्यवहार मिट गया। और सच बात है, परमार्थ बिना व्यवहार काय पे टिके है। आत्मित पर दृष्टि हो तो ये सारे दोष अपने आप छूटे, अपने आप आलोचना हो, अपने आप परिणति अंतर में ढले, और नहीं तो बे ही रोना रोते रहो। दो दिन बाद बे ही काम करोगे तो दो दिन बाद बे ही कसाएं होंगी, बे ही उदय होंगे, बे ही लड़ाई होंगी, भी तो होंगी, हम क्या करोगे बताओ। हम पूछते हैं, आज तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, दो दिन बाद फिर कुपथ करो तो फिर बीमार हो गए, हम क्या करेंगे। अब फिर तुमको अब गलती हो गई, अब कुछ नहीं खाएंगे, अब तो बस हम बिल्कुल सादा भोजन करेंगे, और फिर तीन दिन बाद अब क्या बताएं, वो वहां गए थे शुद्धवारी पे खाए गए तो फिर हो गए बीमार। जब तुम दो दिन बाद बेई काम करोगे तो दो दिन बाद बेई दंड मिलेंगे, वही वातावरण बिगड़ेगा, वही परिणाम खराब होंगे, वही अनादर, वही बता उसमें क्या करोगे, उसमें हम क्या कर लेंगे, भगवान क्या करेंगे। क्या हम पूजा तो कर रहे, अब पूजा कर रहे तो हम क्या करेंगे, पूजा कर रहे तो हम क्या कर रहे, हम रोज सास सुन रहे तो सास सुन रहे तो हम क्या करें बता। हमारे कहा आज की बात, मोह को लक्षण से पहचान करके उसे दूर कर। अरे लौकिक में तो कितना चतुर है, कह देता जी वो ही आदमी है, अच्छा जी वो ही है, हम जानते हैं, कैसे पहचान लेता और कैसे बच जाता है, और जी नहीं पहचानता जी वो ही मोह है। कैसा पागल है, अपने शत्रु को नहीं पहचान रहा, अपने मित्र को नहीं पहचान रहा, अरे अपने हित को अहित को नहीं पहचान रहा क्या। इसलिए ये सारा ज्ञान मिथ्या है, मिथ्या है। आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ, कौन सा शब्द है बोलो, कल नहीं बोले थे तुम भी, हाँ आत्मा ना, शास्त्र से पढ़ करके जाना ऐसा नहीं, आलोचना करी ऐसा नहीं, आत्मा ने चैतन्य आत्मन निष्कर्मण निष्कर्मण चैतन्य आत्मन आत्मनि आत्मना वर्ते, आत्मा के द्वारा ही वर्तना हूं। विचारना सहजानंदी शोध रूपी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप सहजा।
अविनाशी आत्मस्वरूप हे जिनवाणी भारती तोयपूर्ण में वो तेरी शरणागए तो पावे सुख या वाणी के ज्ञान से